दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों आइए आज के स्मोक टेस्ट में प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्नोत्तरी में हमें अपने चैनल की नियमित सब्सक्राइबर्स और हमारी छोटी बहन है वर्षा और साधना शर्मा का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। साधना एमए के पढ़ाई के दौरान से ही इस चैनल से नियमित रूप से जुड़ी रही तथा नेट जीआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की। आइए चलते हैं आज की क्विज की ओर। पहला प्रश्न है, छत्र प्रकाश किसकी रचना है? विकल्प हैं भूषण, जसवंत सिंह, लाल कवि तथा प्रताप शाही। और सही उत्तर है विकल्प तीन, लाल कवि। अगला प्रश्न है, पुराने पंथ का पथिक किस कवि को कहा गया है? आपके विकल्प हैं बोधा, मतिराम, कृपाराम अथवा घनानंद। और सही उत्तर है विकल्प दो, मतिराम। अगला प्रश्न है, काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प हैं रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, रस रहस्य, श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार मंजरी, रस रहस्य, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार मंजरी, रस रहस्य अथवा रस रहस्य, रसिक प्रिया, श्रृंगार निर्णय और श्रृंगार मंजरी। और सही उत्तर है विकल्प एक, रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, रस रहस्य और श्रृंगार निर्णय। अगला प्रश्न है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ नहीं है? विकल्प हैं शब्द रसायन, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु अथवा रस पीयूष निधि। और सही उत्तर है विकल्प दो, ललित ललाम। अगला प्रश्न है, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, पद्म सिंह शर्मा। और सही उत्तर है विकल्प चार, पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य हैं? विकल्प हैं चिंतामणि त्रिपाठी, कृपाराम, देव कवि अथवा केशव। और सही उत्तर है विकल्प चार, केशव। अगला प्रश्न है, देव कवि ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? विकल्प हैं 36, 31, 34 तथा 38। और सही उत्तर है विकल्प तीन, 34। अगला प्रश्न है, किस कवि के आश्रयदाता असंगत हैं? विकल्प हैं मतिराम, बूंदी के राजा भाव सिंह, रत्नाकर, अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह, भिकारीदास, प्रतापगढ़ अधिपति हिंदू सिंह अथवा पद्माकर, महाराजा भाव सिंह। और सही उत्तर है विकल्प चार, पद्माकर, महाराजा भाव सिंह। मित्रों पद्माकर के आश्रयदाताओं में महाराजा भाव सिंह नहीं थे, वरन विभिन्न आश्रयदाताओं के यहाँ पद्माकर रहे, जिनमें सम्मिलित थे रघुराव अप्पा, महाराजा जयपुर, नोने अर्जुन सिंह, परीक्षित, अनूप गिरी जिनका उपनाम हिम्मत बहादुर भी था, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह तथा दौलत राव सिंधिया। अगला प्रश्न है,
पद्माकर का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? विकल्प हैं पद्माभरण, राम रसायन, प्रबोध पचाशा अथवा जगत विनोद। और सही उत्तर है विकल्प एक पद्माभरण। अगला प्रश्न, प्रीति शब्द का सही अर्थ क्या है? विकल्प है श्रृंगार प्रधान रचना, काव्य रचना की स्वच्छंद प्रवृत्ति, अलंकार प्रधान रचना अथवा काव्यांग निरूपण। और सही उत्तर है विकल्प चार काव्यांग निरूपण। अगला प्रश्न है, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? विकल्प हैं भूषण, केशव, पद्माकर अथवा मतिराम। और सही उत्तर है विकल्प तीन पद्माकर। अगला प्रश्न है, केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, श्याम सुंदर दास अथवा रामस्वरूप चतुर्वेदी। और सही उत्तर है विकल्प चार रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? भावविलास, रसविलास, भवानी विलास अथवा सुजान विलास। और सही उत्तर है विकल्प दो रसविलास। अगला प्रश्न है, रीति को काव्य का स्वभाव किसने कहा था? विकल्प हैं केशव, चिंतामणि, देव अथवा मतिराम। और सही उत्तर है विकल्प दो चिंतामणि। अगला प्रश्न है, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहां को किसकी पंक्ति है? विकल्प हैं घनानंद, भूषण, आलम अथवा बोधा। और सही उत्तर है विकल्प चार बोधा। अगला प्रश्न, निम्न में से किन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे? विकल्प हैं बिहारी सेनापति, रसनिधि पजनेस, आलम ठाकुर, भूषण रसलीन। और सही उत्तर है विकल्प चार भूषण रसलीन। अगला प्रश्न, घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है, किसने कहा? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वासुदेव सिंह, रामकुमार वर्मा। और सही उत्तर है विकल्प तीन वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है, सुजान विलास सुदन, सुजान हित घनानंद, सुजान रसखान रसखान और सुजान विनोद देव। और सही उत्तर है सुजान विलास सुदन। मित्रों, सुजान विलास के रचयिता सुदन नहीं वरन सोमनाथ थे। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? विकल्प हैं छंदमाला के शब्दास, छंदसार मतिराम, छंद्रोनौपिंगल वृंद कवि और वृत्त विचार सुखदेव मिश्र। और सही उत्तर है विकल्प तीन छंद्रोनौपिंगल वृंद कवि। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन किस कवि ने फ्रायड की तरह
लेकिन फ्रायड से बहुत पहले ही काम को समस्त जीवों की प्रक्रियाओं के केंद्र में रखकर अपने समय में क्रांतिकारी चिंतन दिया। विकल्प हैं धनानंद, बिहारी, केशव अथवा देव। और सही उत्तर है विकल्प चार, देव। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस काल में हिंदी काव्य अपनी पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। उपर्युक्त कथन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में किस काल की शुरुआत की है? विकल्प हैं भारतेंदु काल, वेदी काल, भक्ति काल अथवा रीति काल। और सही उत्तर है विकल्प चार, प्रीति काल। अगला प्रश्न, गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका किस ग्रंथ की टीका है? विकल्प हैं भूषण उल्लास, भूषण हजारा, भाषा भूषण अथवा शिवराज भूषण। और सही उत्तर है विकल्प तीन, भाषा भूषण। अगला प्रश्न है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है, यह कथन किसका है? विकल्प हैं रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी अथवा डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर विकल्प दो, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, नहीं कुरंग नहीं ससक यह, नहीं कलंक नहीं पंक, बीस बिसे बिरहा दही, गही दी ठी ससी अंग, पंक्ति किसकी है? मतिराम, रसलीन, बिहारी अथवा बैरीसाल की। और सही उत्तर है विकल्प चार, पेरीसाल। अगला प्रश्न है घनानंद ने न तो बिहारी की तरह पाप को बाहरी पैमाने से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है, जो कुछ हलचल है वह भीतरी ही है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है, कथन है? सही उत्तर है विकल्प दो, शुक्ल का। अगला प्रश्न, देव के किस काव्य में 64 घड़ी की विविध विलासों का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है? विकल्प हैं देव माया प्रपंच, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका अथवा सुजान विनोद। और सही उत्तर है अष्टयाम। अगला प्रश्न है, असंगत छांटना है, काव्य प्रकाश चिंतामणि, काव्य विलास प्रतापशाही, काव्य निर्णय भिखारी दास और काव्य विनोद ग्वाल कवि। और सही उत्तर है विकल्प चार, काव्य विनोद ग्वाल कवि। अगला प्रश्न है, देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और का नहीं, शुक्ल जी ने उपर्युक्त कथन किस कवि के लिए कहा है? विकल्प हैं बिहारी, पद्माकर, घनानंद अथवा मतिराम। और सही उत्तर है विकल्प दो, पद्माकर। अगला प्रश्न है, बिहारी में सौंदर्य के सूक्ष्म तत्व को ग्रहण कर शब्दबद्ध करने की जैसी अपूर्व क्षमता है, वैसे देव अथवा रीति युग के किसी भी कवि में नहीं है, यह कथन किसका है? विकल्प हैं शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा बच्चन सिंह।
और सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नायिका भेद का विश्वकोश कौन सा है? नक्षिक, सुख सागर तरंग, श्रृंगार निर्णय अथवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है सुख सागर तरंग। अगला प्रश्न है, नित्यकालीन कवियों का सही क्रम बताना है। चिंतामणि, केशव दास, मतिराम, जसवंत सिंह। केशव, चिंतामणि, जसवंत सिंह, मतिराम। केशव, चिंतामणि, मतिराम, जसवंत सिंह। मतिराम, जसवंत सिंह, केशव दास, चिंतामणि। और सही उत्तर है विकल्प तीन, केशव दास, चिंतामणि, मतिराम, जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, रीति मार्गी कवि अपनी अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों के अचल दलदल में आपाद मस्तक मगन थे। यह पद्धति किसी पीटी होकर अपना आकर्षण खो चुकी थी। साथ ही यह साहित्यिक सीमा बंधन का भाषा का जीवन से काट देना था। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल अथवा रामस्वरूप चतुर्वेदी। और सही उत्तर है विकल्प एक, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव दास ने दंडी से कौन सा रूपक ग्रहण नहीं किया? विकल्प है अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक, रूपक रूपक अथवा निरंग रूपक। और सही उत्तर है विकल्प चार, निरंग रूपक। अगला प्रश्न है, देव के ग्रंथ भाव विलास के बारे में कौन सा असत्य है? विकल्प है यह पांच विलासों में विभक्त है, इसमें छल नामक नए संचारी भावों का वर्णन मिलता है, पांचवें विलास में 39 अलंकारों का वर्णन है, इसका आधारित ग्रंथ रस तरंगिनी है अथवा ए और सी अथवा सभी सही हैं। इसका सही उत्तर है सभी सही हैं, अर्थात यह पांच विलासों में विभक्त है, छल नामक नए संचारी भाव का वर्णन है, पांचवें विलास में अलंकारों का वर्णन है और इसका आधारित ग्रंथ रस तरंगिनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में यदि प्रस्फुटन हुआ है तो वह उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। कथन किसका है? शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ग्रियर्सन अथवा डॉक्टर विजयपाल। और सही उत्तर है विकल्प तीन, ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, देव किसी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। शुक्ल जी की यह पंक्ति किससे संबंधित है? विकल्प है घनानंद, देव, भिखारी दास अथवा भूपति। और सही उत्तर है विकल्प तीन, भिखारी दास। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण पर भूषण चंद्रिका नामक टीका किसने लिखी? विकल्प है वंशीधर, गुलाब कवि, प्रताप शाही अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प दो, गुलाब कवि। अगला प्रश्न, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? विकल्प है रसनिधि, भूपति, वृंद अथवा वेनी प्रवीण। और सही उत्तर है विकल्प चार, वेनी प्रवीण। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? विकल्प है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य शुक्ल अथवा मिश्र बंधु। और सही उत्तर है विकल्प दो, रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन असंगत है? रसनिधि, अंग दर्पण, रस प्रबोध, बेनी प्रवीण, नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, राम सिंह, अलंकार दर्पण, रस विनोद अथवा मुबारक, काव्य रत्न, नयन पचासा। और सही उत्तर है विकल्प चार, मुबारक, काव्य रत्न, नयन पचासा। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कविता की विशेषता है, ए यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, बी व्यंजनामय यह अविधा मूलक है, सी यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है, डी सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। निम्न विकल्पों से उत्तर देना है, सही विकल्प छांटना है, ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी अथवा ए बी डी। और सही उत्तर है विकल्प दो, ए सी डी, अर्थात रीति मुक्त कविता की विशेषता है, ए यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, सी यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है, और डी सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अगला प्रश्न है, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है, घनानंद के बारे में यह किसने कहा? विकल्प हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अथवा आचार्य विश्वनाथ ने। और सही उत्तर है विकल्प दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, पद्माकर भट्ट का कौन सा ग्रंथ भक्ति निरूपण ग्रंथ है? विकल्प हैं, गंगा लहरी, राम रसायन, प्रबोध पचासा अथवा जगत विनोद। और सही उत्तर है विकल्प तीन, प्रबोध पचासा। अगला प्रश्न है, वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? विकल्प हैं, मतिराम, भूषण, दूलह अथवा गो। और सही उत्तर है विकल्प एक, मतिराम। अगला प्रश्न है, चीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं, बोधा, ठाकुर, आलम अथवा देव। और सही उत्तर है विकल्प दो, ठाकुर। अगला प्रश्न है, बोधा की रचना है? विकल्प हैं, अंग दर्पण, गृह बारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी अथवा ललित ललाम। और सही उत्तर है विकल्प दो, विरह बारिश। अगला प्रश्न है, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए, ऐसा किसने कहा? विकल्प हैं, शुक्ल जी, विश्व बंधु, आचार्य विश्वनाथ अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प एक, शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, किसने बिहारी को पीयूष वर्षीय मेघ की उपमा दी है? विकल्प हैं, शुक्ल जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राधाचरण गोस्वामी अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प तीन, राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, कौन असंगत है? विकल्प हैं, तोष निधि, सुधा निधि, प्रताप शाही, व्यंग्यार्थ कौमुदी, सोमनाथ, रस सारांश अथवा भिखारी दास काव्य निर्णय। और सही उत्तर है विकल्प तीन, सोमनाथ, रस सारांश। मित्रों, रस सारांश सोमनाथ की नहीं वरन भिखारी दास की रचना है। अगला प्रश्न है, रसलीन का पूरा नाम क्या है? विकल्प है, फैल अहमद, गुलाम नबी,
वृंदावन अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प दो, गुलाम नबी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? विकल्प हैं केशव, देव, मतिराम अथवा घनानंद। और सही उत्तर है विकल्प चार, घनानंद। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना कुलपति मिश्र की नहीं है? विकल्प हैं रस रहस्य, काव्य प्रकाश, नखशिख अथवा द्रोण पर्व। और सही उत्तर है विकल्प दो, काव्य प्रकाश। मित्रों, काव्य प्रकाश कुलपति मिश्र की नहीं वरन चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में इनमें से एक गलत है। विकल्प हैं रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, रीतिकाल में प्रकृति का आलमन रूप में वर्णन है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। और सही उत्तर है विकल्प तीन, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन है। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ, यह कथन शुक्ल जी ने किसके संबंध में कहा? विकल्प हैं देव, बिहारी, घनानंद अथवा बोधा। और सही उत्तर है विकल्प तीन, घनानंद। अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण करें। विकल्प हैं घनानंद ठाकुर, रसलीन रहीम, रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर, ठाकुर रसलीन घनानंद रहीम अथवा रहीम ठाकुर रसलीन घनानंद। और सही उत्तर है विकल्प दो, रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर। अगला प्रश्न है, वृंद द्वारा रचित सतसई का नाम है। विकल्प हैं श्रृंगार सतसई, रतन हजारा, यमक सतसई अथवा वृंद सतसई। मित्रों, यहां विकल्प तीन और चार दोनों वृंद के द्वारा रचित सतसई हैं, अतः विकल्प तीन और चार दोनों इसके सही उत्तर हैं, यमक सतसई और वृंद सतसई। अगला प्रश्न है, आलम की रचना नहीं है। विकल्प हैं आलम केली, माधवानल काम कंदला, श्याम स्नेही अथवा विक्रम सतसई। और सही उत्तर है विक्रम सतसई। अगला प्रश्न, जाते कछु हो हूं लहियो कविताई को पंथ, पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं देव, पद्माकर, भिकारी अथवा भूषण। और सही उत्तर है विकल्प तीन, भिकारी। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही क्रम क्या है? विकल्प हैं शिवराज भूषण, ललित ललाम, पद्माभरण, नवरस तरंग। ललित ललाम, पद्माभरण, नवरस तरंग, शिवराज भूषण, नवरस तरंग, शिवराज भूषण, ललित ललाम, पद्माभरण, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। और सही उत्तर है विकल्प चार, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण और नवरस तरंग। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उपर्युक्त पंक्ति शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल के किस प्रकरण में है? विकल्प हैं प्रकरण एक, दो, तीन, चार। और सही उत्तर है विकल्प दो,
प्रकरण दो। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वांग निरूपक ग्रंथ नहीं है? विकल्प हैं रस रहस्य, काव्य निर्णय, काव्य सिद्धांत अथवा पद्माभरण। और सही उत्तर है विकल्प चार, पद्माभरण। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचनाओं का सही क्रम क्या है? रस सारांश, छंदार नवपिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, छंदार नवपिंगल, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार नवपिंगल, रस श्रृंगार, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार नवपिंगल। और सही उत्तर है विकल्प एक, रस सारांश, छंदार नवपिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। अगला प्रश्न है, अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? विकल्प हैं भाषा भूषण, कविकुल कंठाभरण, भारती भूषण अथवा प्रेम चंद्रिका। और सही उत्तर है विकल्प चार, प्रेम चंद्रिका। तो मित्रों, यह थी आज की प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू टेस्ट, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के कृतिकाल से संबंधित थे। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस तथा रचनाओं से संबंधित वीडियोस के लिए देखते रहें, सब्सक्राइब करें बातें साहित्य की। धन्यवाद।